इस वक्त हमारे साथ शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम मौजूद हैं, बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे क्योंकि लगातार पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 14 तारीख यानी कि कल एक अहम बैठक रखी गई है, क्या कुछ इससे पहले वार्ता हुई थी, तमाम चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। बातचीत करते हैं कि दादा, इससे पहले भी पारा शिक्षकों की एक अहम बैठक रखी गई थी, आपकी अध्यक्षता में रखी गई थी, क्या कुछ उस वक्त वार्ता हुई थी जो पूरी नहीं हो पाई थी, एक बार फिर से वार्ता होने वाली है? देखिए, सबसे पहले बात की अभी धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा, मुझसे वार्ता होने के बाद लोगों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है और हमने कहा था कि आपके मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और कोई ना कोई सम्मानजनक समझौता होगा। इसको लेकर हम लोग एक बैठक की है हम लोगों ने और उसमें कुछ बातों पर सहमति नहीं बनी, चर्चा हुई और दोनों तरफ से बहुत ही पॉजिटिव बात हुई है। 12 तारीख को ये बैठक होनी थी लेकिन एक आवश्यक कार्यक्रम में मैं बेंगलुरु चला गया था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, वहाँ हाथी और मानव के बीच संघर्ष का जो समाधान कैसे हो इस विषय पर मैं रात को लौटा हूँ और मेरे नहीं रहने के कारण बैठक का तिथि बदलना पड़ा और 14 तारीख को यानी कल 11:30 बजे से हमारी बैठक है उन लोगों के साथ और मैं समझता हूँ कि कल एक सम्मानजनक रास्ता निकल आएगा। अच्छा, मानदेय वृद्धि के साथ साथ कई मामलों को लेकर राजधानी रांची वो लोग पहुंचे थे, तो क्या सरकार इसको लेकर भी कुछ पहल करेगी, क्या आप लोगों ने कुछ रोडमैप तैयार कर रखा है इसको लेकर? सभी बातों पर चर्चा हुई है पिछली बैठक में भी और कई बातों पर आपस में सहमति भी बनी है। एक मानदेय जैसे विषय पर गंभीर चर्चा हुई थी और हमने कहा कि सरकार अपने बजटीय प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके मांगों पर विचार करेगी और विश्वास है कि कल उसका रास्ता निकल आएगा। अच्छा दादा, विधानसभा का चुनाव भी इसी साल होने हैं, सिर्फ आप लोगों के पास 1.5 महीने बचे हुए हैं, तो क्या कुछ युवाओं के लिए आप लोग सोच रहे हैं, क्योंकि जो वादा आप लोगों ने किया था लगभग वो वादा पूरा नहीं हुआ है, तो इसको लेकर क्या कुछ आप लोगों ने सोचा है? देखिए, बहुत सारी योजनाओं पर काम हुआ है, किसानों के लिए काम हो रहे हैं, महिलाओं के लिए विशेषकर अभी जो हम लोगों ने खास योजना लागू की है, महिला सम्मान योजना मुख्यमंत्री जी ने लागू कराया है अभी और उसका काम अभी तेज़ी से चल रहा है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बंद कर दी है पिछले तीसरे साल से, तो अबुआ आवास की योजना भी काफ़ी तेज़ी से चल रही है जो केवल झारखंड सरकार के अपने फंड से चल रहा है। दूसरा, झारखंड में सर्वजन योजना चल रहा है जो हिंदुस्तान में अकेला इकलौता राज्य है झारखंड जो सर्वजन योजना लागू किया है, पेंशन योजना, और उसमें भी 50 साल से ऊपर के आयु के लोगों को पेंशन दिया जा रहा है, ये इकलौता राज्य है, कहीं नहीं है। तो अगर कुल मिलाकर देखेंगे तो चुनावी घोषणा अपनी जगह पर है लेकिन विषम परिस्थिति में काम करते हुए हेमंत जी ने जिस तरह से योजनाओं को लागू किया है वो काबिले तारीफ योजना है। ये मानना पड़ेगा कि 2 साल कोरोना झेलने के बाद और भारत सरकार के असहयोगात्मक व्यवहार के कारण झारखंड का पैसा रोके जाने के बावजूद हम लोगों ने अपने संसाधन से बहुत अच्छी अच्छी योजनाओं को लागू किया है जो अभी चल रहे हैं। दादा, आपको काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग मिला है और ऐसे में क्या कुछ आपने रोड मैप तैयार किया है, क्योंकि कई ऐसे सपने जो अधूरे, किस तरीके से पूरा करना है इस 1.5 महीने में? आपने देखा होगा कि विभाग का प्रभार लेने के साथ ही राज्य में चल रहे आंदोलन को हमने समाप्त किया, प्राथमिक शिक्षकों का आमरण अनशन चल रहा था उसको भी मैंने समाप्त कराया, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों को मेरे ऊपर भरोसा है कि हम उनका समाधान ढूंढेंगे और इस दिशा में हमारी सोच पॉजिटिव है और हमारे रुख को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों ने मेरी केवल इस आश्वासन पर कि आपकी मांगों पर विचार करेंगे लोगों ने अपना आंदोलन समाप्त किया है। पहले भी मैंने पारा शिक्षकों को बहुत कुछ दिया है, पिछले कार्यकाल में हमने 50% आरक्षण दिया इनको, रेगुलर शिक्षक के रूप में बहाली जब जब निकलेगी तो उनको 50% आरक्षण मिलेगा, ये मैंने ही दिया था और इस बार भी शिक्षक उम्मीद कर रहे हैं। राज्य के जो हालात है, जो वित्तीय पोजिशन है राज्य में, उसको ध्यान में रखते हुए हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और खाली हाथ हम उनको लौटाने वाले हैं। अच्छा दादा, एक आखिरी सवाल रहेगा कि 17 तारीख को एक बार फिर से सीएम हाउस का घेराव होने वाला है, सीजीएल के जो अभ्यर्थी है घेराव करेंगे, तो लगातार अभ्यर्थी जो है आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने जो वादा किया था उस वादे से विपरीत आप लोग कार्य कर रहे हैं, तो क्या 1.5 महीने में उनके लिए भी कुछ योजना है? देखिए, सबसे पहली बात है कि चुनाव आने के साथ लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और इस समय आंदोलनों का सिलसिला चल पड़ता है, इसको हम लोग व्यवहारिक नहीं मानते हैं, बावजूद उसके जो समस्याएं सामने आ रही हैं हम उनके समाधान की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो शिक्षकों का मामला हो, सहायक पुलिस का मामला हो या अन्य कर्मचारियों का विषय हो।
हर विषय पर सरकार गंभीरता से सोच रही है, और चूंकि राज्य कल्याणकारी राज्य है और हेमंत जी खुद चाहते हैं कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो, वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं होने के बाद भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि राज्य के कर्मचारियों को अधिक से अधिक लाभ कैसे दे सकें। इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, नियुक्तियां भी हो रही हैं लगातार। अभी आपने देखा PGTD 1500 शिक्षकों को हमने दिया, 900 और शिक्षक बहाल करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। उसके साथ साथ जहाँ जहाँ शिक्षकों की कमी है उसको वैकल्पिक व्यवस्था के तहत हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दादा, आपको काफ़ी लेट से ये विभाग मिला है, तो काफ़ी चैलेंजिंग भी रह रहा होगा तमाम चीज़ों को समझने में, जो पेंडिंग वर्क है उसे फिर से पूरा करने में। तो आपको लगता है इससे पहले आपको मिल जाना चाहिए था ये विभाग, ताकि आप खुलकर काम कर लेते, अच्छे से काम कर पाते? देखिए, राज्य चलाना एक चैलेंजिंग विषय है, और चाहे वो कोई भी विभाग हो, सभी महत्वपूर्ण है, और ये मुख्यमंत्री का दायित्व है कि कैसे सरकार का काम कराएं। जब उन्हें आवश्यकता महसूस लगा, जरूरत महसूस हुआ कि हाँ इन्हें लाना चाहिए, जिम्मेदारी देनी चाहिए, तो मिला है। वो समय का बहुत फर्क नहीं है, रेगुलर सरकार निरंतर काम करती है, चाहे मंत्री एक महीना का हो या 5 साल का हो, विभाग में काम करना हमारी जवाबदेही है। तो विभाग को बेहतर स्थिति देने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और उम्मीद है कि विभाग पटरी पर आएगा। तो देखिए, पारा शिक्षकों के साथ कल एक अहम बैठक रखी गई है, जिसकी अध्यक्षता खुद शिक्षा मंत्री वैजनाथ राम करेंगे। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि पारा शिक्षकों से इससे पहले वार्ता हो गई थी, कल भी वार्ता होगी। पॉजिटिव रिस्पांस उन लोगों की तरफ से भी आया है, और सरकार की तरफ से भी उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा। और आपने सुना कि तमाम चीज़ों को लेकर हमने इनके साथ चर्चा की, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल कैमरा सहयोगी तापस के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।